इसलिए सच बता रही हूं, ये बात मात्र हंसने की नहीं है, ये बात राष्ट्र के निर्माण की है। जब तक चंद्रगुप्त हैं तब तक इस राष्ट्र का कुछ न हुआ, लेकिन जैसे जैसे कमजोर सत्ता दिखी तो बाहरी आक्रांताओं ने हम पर हमला किया और इस भारत को खंडहर बना दिया। मुझे आश्चर्य होता है कि इस भारत में रामायण के अखंड पाठ होते रहते हैं और उसी देश को खंड खंड करके खंडहर बना दिया। ये हम हिंदुओं के लिए शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि हम कभी एक न हुए, क्योंकि हमने कभी एक तरफ जा करके, हमने कभी अपने स्वार्थ से आगे आकर के राष्ट्र के बारे में नहीं सोचा, हमने कभी आगे आकर के ये नहीं सोचा, हमने कभी राष्ट्र को जिया नहीं, हमने कभी राष्ट्र को देखा नहीं, चिंतन नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से, शायद अभी अपरिचित हो तुम कर्मवती की राखी से। तुमने जाकर नहीं देखा है जलियां वाले बागों को, तुमने जाकर नहीं देखा सिंदूर पुछी उन मांगों को, तुमने जाकर नहीं देखा है उस माथे की रोली को, तुमने जाकर नहीं देखा है खाली माँ की झोली को। भगत सिंह की फांसी के अगर फंदे से पूछा होता, गुरु श्रोमणी गोविंद सिंह के बंदे से पूछा होता, तो कभी न कहते तुम केवल ये महल मकान हमारा है, बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा।